जैसे मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। जस्ट मैंने अभी एक ब्लॉग खत्म किया, दूसरा चालू किया। यहाँ पे बना है केदारनाथ मंदिर, इसी के जस्ट बगल वाली गली में आप लोग आओगे तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं उज्जैन वाले मंदिर, जो कि महाकालेश्वर उज्जैन का मंदिर बना है, वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। जस्ट आपने सीधा है ये वाली रोड से, यहाँ से केदारनाथ मंदिर से, और ये आप लोग एंटर कर गए। यहाँ पे सामने की तरफ आप लोग को नजर आ जाएगा, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो आइए आप सीधा आप लोगों को वहाँ पे लेके चल के दर्शन करवाते हैं। तो भाई कितना प्यारा बना है यार ये, मतलब लिटरली देख के कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर मार्केट भी आप लोग आओगे तो कुछ खा भी सकते हो आराम से। और अभी लगभग समय हो रहा है 12:30-1 के आसपास, तो भी चहल पहल मची है। और भाई कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत प्यारा म्यूज़िक भी है जो यहाँ पे बहुत मद्दा चल रहा है और बहुत शांत फील हो रहा है। चलो आप लोग को अब दर्शन कराएं। मैं आप लोग को सामने से दर्शन करवा रहा हूँ श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति, आजाद चौक, गोरा बाजार। तो यहाँ पे आप लोग को लेके आए और कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। एक बार मैं आप लोग को ऊपर से नीचे तक ओवरव्यू देता हूँ। इसका गुम्बद देखो, एक एक लाइटिंग और जो ये पूरा थर्माकोल है यार, कितना ज्यादा खूबसूरत है। अलग अलग लाइटिंग लगी हुई है। ये समिति का नाम है और यहाँ पे हमारी देवी जी स्थापित है और भोले जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो भाई आप लोग को मैं दर्शन कराने ले चल रहा हूँ। भाई अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, फटाफट अंदर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आप लोग को। ये आप लोग को अंदर ले चलते हैं। जो एंट्रेंस है वो यहाँ से प्रवेश लिखा हुआ है। तो चलो भाई आप प्रवेश कराएं और दर्शन भी करवाएं। एक सेकंड, हमारे जो भोलेनाथ जी है वो तो वहाँ है यार। चलो अभी भोलेनाथ जी के दर्शन करवाता हूँ आप लोग को। पहले माता जी की आप लोग कर लीजिए दर्शन। यहाँ पे है हमारी माता जी। आइए आइए, अब थोड़ा और पास से दिखाते हैं आप लोग को। ये भी जो है वो भी शिव जी के रूप में ही नजर आ रही है। ओ भाई बहुत खूबसूरत। इस तरफ माता जी का शेर बैठा हुआ है, उस तरफ नंदी जी बैठे हुए हैं। ओ भाई बहुत ही खूबसूरत माता जी का स्वरूप लग रहा है। और शंकर जी के रूप में माता जी नजर आ रही है, त्रिशूल वगैरह सब पकड़ी हुई है माता जी ने। उनके शस्त्र वगैरह बहुत ही प्यारे हैं और माता जी ऐसा लग रहा है चट्टान के ऊपर बैठी हो, जैसे भोलेनाथ जी बैठते हैं। बहुत ही सुंदर आकार है माता जी का, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बनी है। देख सकते सभी श्रद्धालु भक्त आके और माता जी की और शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। भोले बाबा के तो कराए नहीं यार, महाकाल के दर्शन करिए भी आप। ये है हमारे महाकाल जी, जय शंभू। कैसा लगा आप लोग को ये वाला ब्लॉग, मुझे कमेंट में देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय माता दी।